हेलो मेरे दोस्त, ये कच्ची है आप सब। नमस्ते वर्थान समस्ते। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी अपने रैंक सीजन के रिवॉर्ड के अंदर हम लोग को ये वाला बंडल देखने के लिए मिल रहा है, और 3 तारीख को यानी कि 3 फरवरी को हमारा जो न्यू रैंक सीजन है वो आ जाएगा। एंड ये जो रिवॉर्ड आप लोग देख रहे हो ये यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट बंडल आप लोगों को यहाँ पे कौन सा देखने के लिए मिलेगा, और भी काफी सारे गन स्किन्स वगैरह आप लोगों को कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बात करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल बंडल होने वाला है गाइस। लेकिन अगर आप लोग वो स्पेशल वाला बंडल देखना चाहते हो जो हमारे रैंक टोकन वाले स्टोर के अंदर ऐड किया जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना, कहीं पे भी इससे स्किप मत करना। चले फिर बिना किसी देरी किए, बिना किसी वक्त पर बात किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। दोस्तों, अगर मैं आप सभी से ये सवाल करूं कि फ्री फायर के अंदर सबसे पहला इवो गन कौन सा आया था, तो मुझे पता है, जाहिर से बात है, आप सभी लोग जवाब में लिखोगे राज भाई वो तो हमारा फेवरेट ड्राको एक ही था ना। हाँ गाइस, मुझे भी पता है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है गेम के अंदर बहुत जल्दी एक पुराना इवो गन का वर्जन 2 आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो वाला गन का जो इवो वर्जन है वो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन उसका भी वर्जन 2 यहाँ पे आने वाला है। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं वो कौन सा गन होने वाला है? रूल के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों को तो यही पता चलता है, फिर यही अंदाजा लग पाएगा कि ड्राको एक हम लोग को गेम के अंदर सबसे पहले देखने के लिए मिला था। तो किसी इवो गन का अगर हम लोग को वर्जन 2 देखने के लिए मिलता है तो वो ड्राको एक ही होगा। लेकिन फ्री फायर यहाँ पे कुछ हटके काम करते हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल तरीके से काम करते हैं, तो इसलिए हमारे गेम में आने वाला नेक्स्ट इवो गन का वर्जन 2 एक का नहीं होने वाला है, वो होने वाला है स्कार का, जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने। दोस्तों, इसके अंदर हम लोगों को डबल डैमेज प्लस देखने के लिए मिल जाता है, सिंगल लेटर फायर प्लस देखने के लिए मिल जाता है, और यहां पे रीलोड स्पीड सिंगल माइनस हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से लगभग सभी के सभी इवो गन्स के अंदर हम लोगों को यही एट्रीब्यूट्स या फिर एबिलिटी देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर मेरे बातों पे आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि इवो स्कार का ही वर्जन 2 आने वाला है, तो ऊपर देख लीजिए, लिखा हुआ है स्कार घोष पेस एन। ठीक है, मतलब पहले वाले इवो स्कार का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, याद ही होगा, मेगाडोलोन अल्फा स्कार, लेकिन इसका नाम अलग है, घोष्ट फेस कारी स्कार। ठीक है, ऐसा होने वाला है। बाकी गन हम लोग को एग्जैक्ट कैसे दिखने वाला है ये तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन जो एनिमेशन है जो इसका फोर्स फील्ड बन के आ रहा है ना, आप लोग उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये गन कितना ज्यादा खतरनाक दिखने वाला है। हाँ, खतरनाक तो है, लेकिन अभी जो अपडेट मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो पहले गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इमोट्स मार पाते थे, बाद में हम लोग को गेम के अंदर इमोजी का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल गया, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट ओबी अपडेट के बाद से इमोजी का ऑप्शन यहाँ से गायब होने वाला है, खत्म होने वाला है। मुझे तो इसके पीछे का रीजन नहीं पता है, गेस करने का ट्राई भी कर रहा हूँ यार, क्या रीजन हो सकता है, लेकिन गेस नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकते हैं कोई बंदा यार रिपोर्ट वगैरह कर दे, ठीक है, इस चीज के ऊपर, क्योंकि गणना वाले फीडबैक लेते रहते हैं, ये फीचर किसी को पसंद नहीं आया होगा और उसने फीडबैक के अंदर ये चीज बोल दिया होगा, नहीं हटाना चाहिए था ना। आप लोग खुद बताइए, न्यू फीचर था, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा था, कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन गणना वाले इस वाले फीचर को हटा चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर अभी देखा। ठीक है, अपडेट्स वगैरह बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अभी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं सीधा सीधा हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि नेक्स्ट रैंक सीजन के अंदर से आप लोगों को कौन कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रैंक टोकन स्टोर जो है वो कब अपडेट होगा, और अपडेट होने के बाद वहां पे कौन सा न्यू बंडल आएगा, सभी चीजें आपको बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले, यहां तक आपने वीडियो को देखा, वीडियो अगर आप लोगों को कहीं पे भी अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड वाला बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना। हाँ दोस्तों, वीडियो का स्टार्टिंग में ही बोलना भूल गया, लेकिन नया साल आ चुका है गाइस, और नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आप लोगों को कल वाले वीडियो के अंदर भी विश किया था, और आज एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के वहां पे भी विश किया था, पर दिल नहीं मानता था गाइस, क्योंकि आज ही वो डेट है, ठीक है, 1 जनवरी, तो मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बोल देता हूं। वन सेकंड गाइस, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू 2023। देखते हैं इस साल क्या क्या नया होता है, बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे, और फाइनली अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रैंक सीजन के रिवॉर्ड्स के बारे में, उसके बाद जाकर के मैं आप लोगों को रैंक टोकन स्टोर में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो बताऊंगा। ठीक है, सही पकड़े हैं। ओके, तो दोस्तों, अगर आप लोग बैटरी लेवल रैंक के अंदर गोल्ड को टॉच कर जाते हो तो फिर आप लोगों को ये वाला एसीईटी का स्किन बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा, गोल्डन एसीईटी है गाइस, काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले सीएस के बारे में, तो सीएस रैंक सीजन यहाँ पे 17 आने वाला है, और इसमें अगर आप लोग गोल्ड टॉच कर जाते हो तो फिर आप लोगों को मैकटेन का ये जो गोल्डन वाला वर्जन है, गोल्डन वाला वेरियंट है, ये आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को दोनों ही रैंक सीजन के दो ओपीओपी रिवॉर्ड्स दिखा दिया, लेकिन अभी तक मेन बंडल अपडेट होने वाला
वाला है वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, लेकिन अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर अभी आप लोगों को एक फीमेल बंडल दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यही वाला बंडल अपने नेक्स्ट रैंक सीजन के अंदर आने वाला है एज अ मेन रिवॉर्ड। ये तो आ ही सकता है या फिर आ ही सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो मेल वाला वर्जन है वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं नेक्स्ट रैंक सीजन के अंदर देखने के लिए मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पहले ये आएगी, उसके बाद इसका मेल वाला वर्जन आप लोगों को रैंक टोकन एक्सचेंज वाले स्टोर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी बड़े आराम से। दोस्तों अभी वापस से हम लोग इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग बात करना चाहेंगे आज का हमारा टूनेट अपडेट के बारे में। चलिए देखते हैं कि आज के 12 बजे के बाद या फिर कल सुबह 4 बजे के बाद गेम के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं एंड कौन कौन से न्यू इवेंट्स अपने गेम के अंदर आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वही अपडेट देना चाहूंगा जो आप लोगों को लास्ट 2 दिन से मैं देता आ रहा हूं एंड आज भी वही अपडेट आप लोगों को शुरू से दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो हमारा वेपन वाले, इसके ऊपर हम लोग को कोई भी डिस्काउंट दिखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन लीक से हम लोग को ये पता चल चुका था कि हाँ डिस्काउंट आएगा, लेकिन अभी तक क्योंकि डिस्काउंट नहीं आया है तो कल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो सुबह सुबह आप लोगों को इसके ऊपर 50% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है, वो भी बड़े आराम से। वेट एक सेकंड भाई, टुडे अपडेट तो वीडियो के लास्ट में बोलना था ना, अभी से क्यों बोल दिया? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नहीं बाबू भैया, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। दरअसल ये सब कुछ अपने प्लान के अंदर ही था, सब कुछ प्लान अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक नहीं बल्कि 2-2 टूनेट अपडेट देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एक पुराना सा घटिया सा टूनेट अपडेट दे दिया जो कि 2 दिन से आ ही नहीं रहा है, और हम लोग को ये भी नहीं पता कि कल सुबह ये आए या फिर ना आए। I don't know. लेकिन अभी के लिए हम लोग कुछ ऐसा टूनेट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि नया है और जो कि कल सुबह आएगा ही आएगा गेम के अंदर, ये कंफर्म है। और से कैलेंडर को देखिए, आप लोगों को 2-2 इवेंट्स नजर आ जाएंगे जो कि 2 तारीख से ही शुरू हो रहे हैं। कल 2 जनवरी है ना, तो सबसे पहले एंजेलिक हंट का इवेंट, ये एक फ्री इवेंट होने वाले बेसिकली, और दूसरा इवेंट जो है स्काई एंजेलिक पार्टी जो कि अभी आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिखा देना चाहूंगा। भाई पर कैलेंडर के अंदर लिखा था स्काई एंजेलिक पार्टी, यहाँ पे लिखा है स्काई कलेक्शन पार्टी। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, दोनों एक ही है पर नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और गाइज ये इवेंट आप लोगों को कल सुबह देखने के लिए मिल जाएगा, इसके अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड्स आप लोगों को एग्जैक्ट देखने के लिए मिलने वाला है वो भी आप लोगों के स्क्रीन के सामने ही। यहाँ पे आप लोगों को बंडल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ नए हैं, और 1-2 आप लोगों को जो एंजेलिक पैंट है वो पुराना देखने के लिए मिलेगा, जो स्काई ब्लू एंजेलिक था वो पुराना वाला वो भी देखने के लिए मिलता है। डायनो एंजेलिक यहाँ पे बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, इसी के साथ साथ एंजेलिक जैकेट टाइप का एक बंडल आप लोगों को और देखने के लिए मिलता है। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है नेक्स्ट वेपन वाले के अंदर कौन सा गन स्किन आ रहा है? अरे अभी तक नहीं पता, ऐसे कैसे भाई, कल ही आप लोगों को टूनेट अपडेट के अंदर बता दूंगा नेक्स्ट वेपन वाले कौन सा आ रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को अभी से जानना है, कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई नेक्स्ट वेपन वाले के अंदर कौन सा गन स्किन आ रहा है ये हमें बताओ, तो राइट वाले वीडियो को क्लिक कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसी वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली कंफर्म करके बता दिया है कि नेक्स्ट वेपन वाले के अंदर आप लोगों को कौन सा गन स्किन देखने के लिए मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, हम लोग बाकी बात करते हैं बाद में। मैं मिलता हूं आप सभी से किसी ने कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे कल रहो, अपने साइड मिस को मारते रहो।